क्या आप मुमरा में प्रॉपर्टी देख रहे हो? तो मैं आपको यहाँ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK चाहे शॉप ले सकते हो। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो शील थाना की तरफ है। यहाँ से आपको कटाईनगर का एरोली ब्रिज हो गया, या आपको मेट्रो स्टेशन हो गया, या आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन हो गया, सारी चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और आपके एमिनिटीज के लिए स्विमिंग पूल तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे, 10% डाउन पेमेंट एंड 90% आपको लोन तक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें और अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा अस्पताल के वार्ड बॉय ने पति पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। 2.25 महीने बाद चीतलचल मानपाड़ा इलाके में पति पत्नी की हत्या की गुत्थी सुलझी है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 20 फरवरी तक पुलिस हिरासत में इन्हें भेजा गया है। चोरी के इरादे से बुजुर्ग दंपति की हत्या का मामला पुलिस ने अब सुलझा लिया है। 4 जनवरी 2024 को चीतलसर मानपाड़ा पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर दोस्ती एम्पेरिया MMRDA बिल्डिंग नंबर 1 मानपाड़ा बिल्डिंग में शमशेर बहादुर रणबाज सिंह 68 साल और श्रीमती मीना शमशेर सिंह 65 वर्ष, ये दोनों पति पत्नी की दोहरा हत्याकांड का मामला सामने आया था। और चितलसर मानपाड़ा पुलिस ने निसार अहमद कुतुबुद्दीन शेख 27 साल और रोहित सुरेश उतेकर 26 साल को गिरफ्तार किया है। जब इनसे कोर्ट लाया गया और कोर्ट में आरोपियों को 20 फरवरी तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। चितलसर मानपाड़ा पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने की चूड़ियाँ, कान के एयरिंग और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस ने इस पूरे दोहरे हत्याकांड के मामले को लेकर क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। आरोपी किस तरह से गिरफ्तार किया है, कहां से और उसका बैकग्राउंड क्या है? 4 जनवरी 2024 पुलिस स्टेशन चितासर के एरिया में MMR बिल्डिंग में पति पत्नी शमशेर सिंह और मीना सिंह इनकी हत्या हुई थी। उसके बारे में ऑफेंस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर था। ये इन्वेस्टिगेशन में पुलिस स्टेशन ने 2 टीम बनाई थी। 2 टीम पूरा टेक्निकल एनालिसिस है, बाकी जो संशयित आरोपी है उनके पास इंक्वायरी और बाकी का तपास हम कर रहे थे। उसमें टीम के 2 पुलिस अमलदार अभिषेक सावंत और शैलेश भोसलोई, इन्होंने लगातार इन्वेस्टिगेशन करके और उनका जो खुफिया इन्फॉर्मेशन थी उसके द्वारे 2 आरोपी निष्पन्न किए। 1 आरोपी निसार शेख और दूसरा आरोपी रोहित उतेकर, ये दोनों का हमने अरेस्ट किया है। वो अभी पुलिस कस्टडी में प्राथमिक तपास में ये निष्पन्न हुआ है कि ये जो ऑफेंस है, गुनाह है, ये चोरी के इरादे से किया है, ऐसा अभी निष्पन्न हुआ है। आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। सर, दोनों गिरफ्तार हुए आरोपी कहाँ से आपने गिरफ्तार किया, इतने महीने कहाँ दिए दोनों? ये आरोपी जो है ये हमने थाना से गिरफ्तार किया है। ये आरोपी वही बिल्डिंग में रहते और हमारे जो 2 अमलदार है उन्होंने लगातार इसमें इंक्वायरी करके उनको अरेस्ट किया। उनका बैकग्राउंड ना कोई सीसीटीवी था, ना कोई मोबाइल यूज किया गया था, फिर भी आरोपी ट्रेस हुए, किस तरीके से ट्रेस हुए, इस बारे में जानकारी दे पाएंगे सर? उनका बैकग्राउंड ऐसा है, निसार शेख जो है वो टेम्पररी वार्ड बॉय करके कड़वा हॉस्पिटल थाना में काम करता है और दूसरा आरोपी रोहित उतेकर है वो सिक्योरिटी गार्ड का थाना में काम करता है। हमारे 2 पुलिस अमलदार ने उनका जो खुफिया नेटवर्क था और जो एक इंट्रोगेशन और लोगों से संपर्क कर करके पूरा एक इन्वेस्टिगेशन स्किल यूज करके उसमें 2 आरोपी को निष्पन्न किया है। सर, दोनों का पिछला कोई बैकग्राउंड है? वो अभी हम इन्वेस्टिगेशन में चेक कर रहे हैं। कितने दिन की कस्टडी दोनों को मिली? 20 तारीख तक कस्टडी है।